हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इफ़ यू डोंट नो मी, आई एम आत्रेयी और मैं वीडियोस बनाती हूँ मेकअप पे, लाइफस्टाइल पे बहुत कम, बट फैशन वीडियोस, यू नो, ब्यूटी वीडियोस, स्किन केयर वीडियोस, रिव्यूज़, तो मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दिस विल मीन द होल वर्ल्ड टू मी। एंड गाइस, प्लीज़ हेल्प मी रीच एटलीस्ट 8K सब्सक्राइबर्स सून। ओके, ब्लैबरिंग के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। Guys, if you don't know me, I am doing this review series specifically जो इंडिया के ब्रांड्स हैं उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करके मैं आपको अपना रिव्यू बताऊँगी कि वो वर्थ इट है या नहीं है। और ये वीडियोज़ मैं स्पेसिफिकली हिंदी में करती हूँ। सो गाइज, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है लोटस के दो सनस्क्रीन पे। एक्चुअली ये वाला सनस्क्रीन पे मैंने बहुत साल पहले एक रिव्यू बनाया था एंड दैट वीडियो इज़ रियली लाइक्ड बाई यू ऑल। सो आई थॉट वाई नॉट गिव लाइक कंपेयर दिस वन विद वन ऑफ द अदर वेरियंट्स फ्रॉम लोटस। एंड अगर आपको नहीं पता, ये वाला जो है ना लोटस सेफ सन यू वी मैट जेल SPF 50, इसको मैं पता नहीं कब से यूज़ कर रही हूँ। वेन आई वॉज इन कॉलेज आई यूज़ टू यूज़ दिस वन ओनली। आई थिंक इस बात को 10 साल हो जाएंगे गाइज। आई मीन 10 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। सो यू कैन You should know my love for this one, but this video is going to be unbiased one. आपको unbiased review दूंगी। सारे points मैंने लिख लिए हैं तो so that आपको सारे points के बारे में मैं बता पाऊँ। तो ये है मेरे पास दोनों, एक है SPF 40 का, एक है 50 का। तो let's get started with this one. This is the Lotus Safe Sun SPF 50 एंड UVB एंड PA++ UVA प्रोटेक्शन है इसमें। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट दिस वन, तो ये है लोटस मैट लुक SPF 40 UVB PA++ UVB, दोनों ही हैं इसके अंदर। पर ये है SPF 40, ये है SPF 50, तो ये आपको स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा देर तक यू नो सन प्रोटेक्शन आपको देगा। ये वाला जो है आराम से 3 घंटे आपको सन प्रोटेक्शन देगा। जबकि अगर हम बात करें इसकी, तो ये आपको अराउंड 2.5 घंटे तक सन प्रोटेक्शन देगा, तो आधे घंटे का ही फ़र्क है। ओके, सो इफ़ आई टॉक अबाउट दिस वन, ये जो है ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। एंड वाई जो ये वाला है SPF 40 वाला, ये है बिल्कुल ऑल स्किन टाइप के लिए। एंड ये नया है, आई हैव जस्ट बॉट इट। एक्चुअली आई वॉज ऑर्डरिंग अ नाइट क्रीम फ्रॉम लोटस, तो उसके साथ मुझे ये फ्री मिला था, एक डील चल रही थी, तो इसीलिए मैंने इसको मंगाया, अदरवाइज मुझे इसको नहीं मंगाना था। एंड नाउ अगर मैं इसकी मेन बात करूँ, तो ये वाला जो है SPF 50 वाला, ये जेल फॉर्मूले में आता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, इवन मैं आपको एप्लीकेशन भी बता दूँगी सो दैट आपको पता चलेगा। ये जो है ये ऐसे वाइट से लिक्विड फॉर्म में आता है, जेल फॉर्म में। एंड ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है जब आप इसको अपने यू नो हैंड्स पे लगाते, फेस पे लगाते हैं, और इस तरीके से ये जो है आपके फेस पे बहुत ही अच्छे से, आपके फेस के अंदर बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें थोड़ी सी हल्की सी खुशबू है, बट ये खुशबू बहुत ही जल्दी चली जाती है, ज़्यादा आपको यू नो बॉदर नहीं करेगी इसकी जो सेंट है। नाउ अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो है ये एक टिंटेड मॉइस्चराइज़र है, ठीक है, इसके अंदर एक टिंट है। तो हालांकि दोनों की पैकेजिंग जो है वो एक जैसी लगती है, बट यू नो थोड़ा सा अंतर है। तो जब मैं आपको मैं ये भी दिखा देती हूँ, तो गाइस इसका जो लिक्विड है वो इस तरीके से एक लाइट से पीच कलर का लिक्विड है, और लिक्विड है ये, लिक्विड फॉर्म में आता है, जेल नहीं है। बट ये भी बहुत लाइट वेट है, और ये बहुत ही अच्छे से मेरी स्किन में अगेन बहुत अच्छे से ये डिसॉल्व हो जाता है। यू कैन सी यू, है ना, कोई भी शाइन नहीं है दोनों में, क्योंकि यू नो दोनों ही मैट लुक देते हैं। इसकी जो खुशबू है ना, ये मुझे चाइल्डहुड के दिनों की याद दिलाती है। इसकी खुशबू क्रीम्स की खुशबू जैसी है। इनफैक्ट ये थोड़ा सा मुझे चंदन भी लगता है कि इसके अंदर चंदन भी है, बिकॉज ये खुशबू बहुत ही अच्छी है, बहुत ही माइल्ड है। लव द सेंट ऑफ दिस वन। एंड दोनों ही बहुत ही मैट है, लाइक बिल्कुल मैट है यू नो। एंड ये आपको थोड़ी सी कवरेज तो क्या ही देगा, बट हाँ थोड़ा टिंटेड है, तो थोड़ा सा आपका जो यू नो स्किन टोन है उसको ये थोड़ा सा एक जैसा कर देता है, ठीक है। एंड अगर हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, तो ये वाला जो है SPF 50 वाला, ये है 440 रुपीज़ का 100 ग्राम्स प्रोडक्ट के लिए।
वाइल जो ये SPF 40 वाला है ये है 395 rupees फॉर 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। दोनों की शेल्फ लाइफ 3 साल है, 3 साल तक आप दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अगर मैं इंग्रेडिएंट की बात करूँ 50 वाले की, तो इसके अंदर है हॉर्स चेस्टनट, कॉम्फ्री एंड वनीला। इसलिए इसकी इसकी जो खुशबू है नहीं, थोड़ी सी वनीला टाइप की लगती है। तो ये सारे जो तीनों चीज़ें हैं ये आपके फेस को कॉम्फ्री स्पेसिफिकली जो है आपके फेस को ठंडक पहुंचाता है। तो जब भी मैं इसको लगाती हूँ माई फेस फील्स रियली रियली कूल। एंड ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। टॉकिंग अबाउट दिस वन, तो इसके अंदर है बर्च, मैलो एंड हॉब्स। मैंने इनके बारे में गूगल भी किया था बट मुझे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बहुत मतलब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बट हाँ ये है कि ये जो है ये वाला जो वेरिएंट है ये थोड़ा सा आपके फेस को यू नो कूलिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि इसके अंदर एक बर्च है। तो बर्च जो है वो आपके फेस को कूलिंग सेंसेशन देने के लिए देता है, जितना मुझे इंटरनेट पे पढ़ के पता चला। तो इस तरीके से दोनों हैं। एंड अब मैं बात करती हूँ कि मुझे कौन सा वाला ज़्यादा पसंद है। गाइस यू नो सनस्क्रीन लगाने के बाद मुझे तो पसीना आता है। आई एम समवन जिसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो इवन इफ मैं ये लगाऊँ स्वेटिंग तो मुझे होगी ही होगी। तो इसमें मुझे लगता है थोड़ी सी ज़्यादा स्वेटिंग होती है, इसमें थोड़ी कम होती है। 40 वाले में थोड़ी सी मुझे कम स्वेटिंग हुई, क्योंकि ये वाला जो है ना वो जेल है। तो ये इसको अंदर तो ये फेस के बहुत जल्दी चला जाता है, लेकिन फिर बाहर भी उतनी जल्दी आ जाता है। बट स्टिल मुझे ये वाला यूज़ करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये ज़्यादा मैट है, क्योंकि ये जेल फॉर्मूला में है। एंड जेल फॉर्मूला मेरे फेस को बहुत अच्छे से सूट करता है, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है। अगर आपकी ड्राई स्किन है और आपको ये यूज़ नहीं करने, क्योंकि जेल कभी कभी ड्राई स्किन को यू नो फ्लेकी बना देती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर है। और गाइस स्टिल अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आपको पहले मॉइस्चराइज करना होगा, फिर इसको लगाइएगा। अदरवाइज ये आपकी स्किन को यू नो ड्राई ज़रूर कर देगा, क्योंकि ये भी एक मैट लुक ही देता है। ठीक है गाइस, ऑल इन ऑल मुझे ये दोनों ही पसंद है। बट मुझे इसकी एक चीज़ नहीं पसंद, क्योंकि ये लिखता है सन प्रोटेक्शन, स्किन लाइटनिंग, मैटिफाइंग। मुझे नहीं पता स्किन लाइटनिंग ये कैसे करता है। अगर मुझे पता होता स्किन लाइटनिंग भी है इसके अंदर इंग्रेडिएंट जो भी ये क्लेम करता है, तो मैं इसको कभी ऑर्डर नहीं करती। सो इसी वजह से मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत सूदिंग है स्किन पे। एंड आई थिंक आई विल बी कंटिन्यूइंग यूजिंग दिस वन SPF 50 वाला। इट इज़ अमेजिंग, इट डज़ नॉट ब्रेक मी आउट, काफ़ी अच्छा है और मेरे फेस को बिल्कुल ही ऑक्सीडाइज नहीं करता। सो येस गाइज, दैट वॉज अबाउट इट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हुए हों। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई सजेशन है, कुछ भी किसी चीज़ को भी लेके किसी का रिव्यू करना है, तो आप मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू गाइज टेक केयर।